अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि चिकन नहीं खाना चाहिए, जो मतलब ये होता है जो देसी के अलावा दूसरा ब्रेलर कहते हैं ना, इसको ये नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक बात तो ये कि टेस्ट ही इसमें होता है। रोस्ट बनना है, जो टिक्का बनना है, जो मलाई बूटी बननी है, इसी से बननी है। दूसरी बात ये कि इसमें प्रोटीन भी होता है। ऐसा नहीं है ये बिल्कुल गज़ाइत के बग़ैर है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रोटीन आपको ज़रूर मिलेगा, और बच्चों को भी दें। ऐसा ना करें कि आप कहें कि नहीं बच्चों को नहीं देना, ये मुजर सेहत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चों को भी दें, इसमें प्रोटीन है और हेल्थ के लिए अच्छा है। ज़रूर आप दूसरा भी दें, देसी मुर्गी और मटन भी दें। जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। अच्छा जी, ये तो उस वाना आपने यही ईविलन वाले देखें, कितने हॉरर है। मैं आपको बता रही थी ना, ये हॉरर, इसको चस्का लग गया है हॉरर देखने का, वो ही देख रही है। और यहाँ पे ना ये रेडी होके हम लोगों को नखरे दिखा रही थी और हमारी बात ही नहीं सुन रही थी। तैयार होने के बाद ना ये अपने सर पे क्लिप वगैरह लगा के बैठ जाती है और फिर हमसे सीधे वो बात ही नहीं करती कि अब मैं रेडी हो गई हूँ, अब इसके काम चेक करें। और हरम हंसे जाती है इसको देख के, क्योंकि वो नहीं ना ऐसे करती। ये बहुत ही कुछ ओवर कॉन्फिडेंट बच्ची है, देख। बस क्रीम लग गई है, बस करो। हाथों पे ये क्रीम हाथों पे नहीं लगाते। हरम यार ओपन करो। ये बस ये ना सारा दिन ऐसे ही करती। ये देखें, ये हरम के ना इसने क्या किया, इंडेक्स पेजेस कट करके ना अपना पर्स बना लिया और पूछा भी नहीं रफ नोटबुक है या कौन सी है। मैंने फिर दोबारा से इसकी इंडेक्स तैयार की है और फिर मैंने कहा टीचर से सिग्नेचर करवा लेना। सारी उसकी नोटबुक बेचारी की इसने कट करके रख दी, और अपनी ना ये फिर बता रही होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट कर रही होती है। वैसे अच्छी बात है, टैलेंट है बच्चे का, आर्ट एंड क्राफ्ट इतना बच्चा कर नहीं पाता, लेकिन माशाल्लाह से ना ये बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट का इसका शौक है। गाइस, मम्मा ने अभी कहा डोर बंद कर दिया वॉशरूम का, ये कहती मैं क्यों करती हूं खाम वाली। मैंने ना फैन मैंने कहा था इसको नुमारी था और ना बॉक्स में जाकर लगा। गाइस लगे थे फैशन मार के, एक अभी भी मारे अभी ऐसे मारे नहीं तो चॉकलेट। अच्छा, मैं आपको ना उस वक्त की कुछ स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत ही फनी है, ज़रूर सुनिएगा, बहुत मज़े की स्टोरी है। सहेली और सहेली का पति। सहेली का पति, सहेली क्या होती है? शुरू से सुना। अच्छा, आप हमें स्टोरी सुनाएंगी, कौन सी? चिड़िया रानी डायनासोर। सुनाएं। चिड़िया रानी की बेटी अपना घर नहीं वो ले रही थी, लेकिन उनके घर में डायनासोर आ गए। उनने उसकी माँ ने ज़्यादा चीख मारी, फिर वो दोनों भागने को उनके डायनासोर क्या उन दोनों ने भाग डायनासोर ने उन दोनों को देख लिया, भागने की कोशिश की। हाँ, लेकिन उनसे पहले भागने से वो लोग बच गए। अच्छा, डायनासोर ने उनका मार डाला। ओह, फिर चिड़िया रानी के बच्चे तुम सुसुद को उनके दिन तो ये नहीं बता था उनके साथ डायनासोर कोई और ही नहीं बल्कि जादूर के लड़का था, और जैसन भी थी, विलन भी, मम्मी भी थी। ये विलन आ गए इस कहानी में, विलन कहाँ से? आप तो चिड़िया वाली कहानी सुना रही थी। चिड़िया का मतलब उसमें विलन भी और मॉन्स्टर्स भी और ड्रैगन भी उनके मॉन्स्टर्स भी आ गए अब इस कहानी में भी, चिड़िया रानी की कहानी में। अच्छा, फिर चिड़िया रानी ने बताया मम्मा, उसके पास जैब द किलर और इवन सबने जैब द किलर
सबने ढूंढ ली, सब लोग ड्रैगन पे बैठ कर किताब बन रहे। किस पे बैठ कर? ड्रैगन पे। भागे उससे तीनों तो उन्हें पकड़ लिया, फिर लेकर चले गए। उनके माँ को हो गया, उन्होंने देखा उनकी तनी बिखरी हुई है और वो ड्रैगन सारे गंदे गंदे सारों को खाने वाले मेरी बेटी को लेकर जा रहे। वो भी चपाटा मार जला कर उनके पास चले। उन्होंने बुलाया बाबा, बाबा ने उसके बाबा ने बाबा बुलाया, उनके बाबा उनके दोस्त थे। फिर वो सॉफ्ट फूड का पिज्जा करने चले गए उनकी नानी के घर लगाए। फिर बाबा और भी और उसकी फ्रेंड उसका फ्रेंड और वो लोग गए रानी के घर। रानी के घर जाकर बहुत ही लेकिन मैंने उनको फिर भी मार दिया वो। और फिर बाबा जैसे तीनों रानी के घर पहुँचे, तीनों नहीं थे उधर, वो लोग चाल में घुस गए, वो कहीं और थे। ठीक है, सहेली और सहेली का पट्टी। सहेली का पति, सहेली क्या होती है? सुनो से सुना। सहेली थी, सहेली पापा बच्चों के बाबा की पत्नी। बच्चों के बाबा की पत्नी को सहेली कहते हैं। अच्छा, फिर सहेली उसका पति गया, सहेली जाकर अच्छा। उनकी तलवार उठाई, उनके घर में गांठ से घुस गया। अच्छा, उसको मारने के लिए कोई उसके ऊपर चलाई लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। फिर उसको ये डब्बा सोपर नून ये सब कुछ खिलाया लेकिन फिर भी नहीं वो गया। वो उससे डब्बर हो गया, पावरफुल हो गया। फिर उसको गन मारी, वो और पावरफुल हो। अच्छा, उसको और मारी और मारी और मारी, गोली खत्म हो गई, उतना पावरफुल हो गया और बड़ा भी हो गया। फिर उन्होंने उनको एक बार में ही पकड़ लिया। फिर उनको सहेली कहाँ गई? फिर सहेली घूमने। अच्छा, हो गया। मैं स्टोरी सुनाई और आपको कैसी लगी? वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। आज भी आपको कैसी लगी? बाय बाय। हमें सुनने कोई कोई आप तो हमें कभी चैनल नहीं सब्सक्राइब करते। आप करेगा फेस।